गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज़ आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही प्यारा सा नवरात्रि स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है। इतना प्यारा क्रिएट हुआ है ना इस मेकअप लुक में, मैंने हर एक स्टेप बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपको मेकअप करना नहीं भी आता तो भी आप बहुत ही ईजिली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स क्लीन टू द वीडियो। गाइज सबसे पहले हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की लूमी क्रीम। ये मॉइस्चराइजर का भी काम करती है, प्लस ये आपके फेस को बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी देती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आपकी स्किन में ग्लो भी नहीं है, तो आप चाहते हो कि आपका मेकअप ना बहुत ज़्यादा ग्लोई ड्यूई सा हो, तो इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के साथ बहुत ही प्यारा सा फ्लॉलेस सा जो बेस है वो क्रिएट होता है, प्लस आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेपअप प्राइमर, सिलिकॉन प्राइमर। इसे मैं अपने हैंड में लेके ना थोड़ा सा रब करूंगी। रब करने से क्या होता है कि प्राइमर थोड़ा सा ना एक्टिवेट हो जाता है, फेस में बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है। सो इसे जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स है बेसिकली वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन फॉरएवर 52 की। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है, बहुत ही प्यारी इसकी कवरेज है, प्लस इसे ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे पहले इसे अप्लाई कर लिया, देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ, डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यहाँ पे लिया है, डैबिंग फोम में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे कंसीलर की ओर। कंसीलर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। बेसिकली कंसीलर हम जो हाइलाइटिंग कंसीलर होता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें अपने फेस को ना बहुत ज़्यादा इन्हांस लुक क्रिएट करनी होती है। मैं इसे अपने अंडर आई पे अप्लाई कर लूँगी, नोज पे, चिन पे, फोरहेड पे और अपनी आईलिड पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी। देन इसे भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जहाँ पे आपने कंसीलर प्लेस किया है सिर्फ आपको वही उसी एरिया पे ही ब्लेंड करना होता है। साइड के जो पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, जहाँ पे जस्ट लगाया है जस्ट वहीं पे इसे ब्लेंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिक्सिंग स्प्रे, बिकॉज क्योंकि हम फेस्टिव लुक क्रिएट कर रहे हैं, सो ऑब्वियस है हमें ओल्ड डे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक चाहिए, क्योंकि हम बारी बारी से तो मेकअप करने से रहे, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। सो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फाउंडेशन के बाद मैं यहाँ पे फिक्सिंग स्प्रे कर रही हूँ। मेकअप हमारा ना काफ़ी लंबे समय तक स्टे करेगा। सो इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लेंडर के साथ इस फिक्सिंग स्प्रे को फेस में सेट कर लूँगी डैब डैब करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लूज़ पाउडर। बेसिकली लूज़ पाउडर के साथ मैं अपने पूरे फुल फेस को अच्छे से लॉक कर दूंगी, हमारा जो बेस है वो अच्छे से बन जाएगा इसके साथ। आप चाहो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये वन शेड कंटूर। इसके साथ मैं अपने फेस पे ना हल्का हल्का सा कंटूर करूँगी। कंटूर आपको बेसिकली करना कहाँ होता है, जहाँ पे आपके जो फेस के फीचर्स है ना बहुत ज़्यादा मोटे हों, ब्रॉड हों, वहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं। जैसे मैं चीक्स पे थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी, जो लाइन अगर आपकी डबल चिन है ना तो आप वहाँ पे इसे कंटूर कर लोगे, अपने फोरहेड, काफ़ी बड़ा आपका फोरहेड है, देन सेंटर पे इसे कंटूर कर लोगे हल्का सा, देन अपनी नोज पे। नोज़ कंट्रोलिंग के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से अपने नोज़ को कंट्रोल कर लूँगी, देन अप्लाई करने के बाद अच्छे से इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। देख सकते हैं कंटूरिंग करने के बाद फेस के जो फीचर्स है वो कितने अच्छे उभर के आ रहे हैं।
नेक्स्ट अब हम करते हैं अपने ब्रोज को फिल। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट। सबसे पहले हम ब्रोज को करेंगे फिलअप, ठीक है, जो गैप्स हैं उसे फिल कर लेंगे, प्लस बहुत ही प्यारी सी शेप क्रिएट कर लेंगे अपनी आईब्रोज के अकॉर्डिंग। देन जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा उससे हम ब्रश के पीछे यूज पुली ब्रश होता है उसके साथ रिमूव कर देंगे। सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी बना लूंगी, देन उसे भी अच्छे से कॉम्ब आउट कर लूंगी। गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की, और आई मेकअप में आज मैं थोड़ा स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करूंगी। सो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक जेल आईलाइनर। आप चाहो आप काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जस्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने ब्रश में लेते जाना है, देन अपनी आई पे उसे प्लेस करते जाना है। अप्लाई करने के बाद हम इसे आई शेड के साथ ब्लेंड कर देंगे। आई शेड मैंने यहाँ पे लिया है डार्क ग्रीन कलर, मैट में है। आप चाहो तो कोई भी कलर जो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। सबसे पहले हम उसके ऊपर इसे लॉक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। देन जो एजेस हैं, जैसे आप देख रहे हो ना सी क्रिएट हो रही है ना, उसे हम दिखने नहीं देंगे। अच्छे से इसे ब्रश की हेल्प के साथ ब्लेंड करते जाएंगे जब तक ये पूरा अच्छे से ब्लेंड हुआ ना दिखे। बहुत ही अच्छे से आपको इसे ब्लेंड करना है, कोई भी शार्प एजेस बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमने जो आईज के नीचे प्रोटेक्शन के लिए जो लूज पाउडर अप्लाई किया था हम उसे रिमूव कर देंगे ब्रश की हेल्प के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना ब्राउन कलर लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे उसे अच्छे से स्मज कर दूंगी, अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ही प्यारा आई लुक क्रिएट होता है इसके साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा अपनी लोअर और अपर लैशेज को अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। उसके बाद मैं अपने फेस को कर लूँगी हाईलाइट। हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जहाँ पे हमें बेसिकली अपने फेस को हाईलाइट दिखाना है, ठीक है, वहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे चीक्स के ऊपर ये बोन होती है, वहाँ पे इसे अप्लाई कर लेंगे। नोज़ की जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पे इसे अप्लाई कर लेंगे। अपने लिप्स के बिल्कुल ऊपर हमारा क्यूपिड बो एरिया होता है, वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। चिन पे अप्लाई कर लेंगे। फोरहेड के जो साइड में दो बोन्स होती है ना, वहाँ पे इसे अप्लाई कर लेंगे। इसके साथ ना हमारे फेस पे बहुत ही प्यारा सा ग्लो एड ऑन हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का लिप शेड, बहुत ही प्यारा शेड है। देन इसके बाद मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा लाइटर शेड इससे वो इसके सेंटर में अप्लाई कर दूंगी लिप्स के। इसके साथ क्या होगा कि हमारे लिप्स में बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट होगा, बहुत ही प्यारा सा शेड बन जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, बाय द वे ये मार्स का मेकअप फिक्सर है। गाइज नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ना अपने चिन पे काजल के साथ 3 डॉट्स बनाए हैं। पहली बार मैंने बनाए हैं, मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, बट फिर भी ठीक ठाक बन गए। थोड़े से बिगर हो गए थे क्योंकि मुझे स्मॉल बनाने थे, थोड़े से मुझसे ज़्यादा मोटे बन गए, बट इट्स ओके, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सो गाइज हेयर इज़ अ फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइज इस लुक को आप नवरात्रि पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ नवरात्रि पे ही ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं गाइज, किसी भी फेस्टिवल में आप इस लुक को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज़।